जहां एक तरफ भारत में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट यानी कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट बनाया जा रहा है मुंबई की उपनगरी नवी मुंबई में, जो मुंबई का दूसरा एयरपोर्ट होने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद। बनने के बाद ये भारत का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट होगा, जहां 2 रनवे और 3 खूबसूरत टर्मिनल बनाए जाएंगे। तकरीबन 16,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसे बनाने में, और इसकी जो पैसेंजर कैपेसिटी होगी वो 9 करोड़ पैसेंजर पर एनम की हो जाएगी फाइनल फेज कम्प्लीट होने के बाद। वर्तमान में नवी मुंबई और उसके आसपास के पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट का यूज करते हैं ट्रेवल के लिए, जो करंट में भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है। पर सवाल ये है कि जब मुंबई में पहले से ही एक एयरपोर्ट मौजूद है, तो उससे सिर्फ 35 किलोमीटर दूर नवी मुंबई में इस एयरपोर्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो आपको बता दें, मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र की सेवा करने वाला एक प्राइमरी एयरपोर्ट है। ये भारत का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट है, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स के माध्यम से मुंबई को देश विदेश से जोड़ता है। इस एयरपोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2020 में 45.87 मिलियन पैसेंजर हैंडल किए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में इस एयरपोर्ट द्वारा अपने इतिहास में पहली बार 52.8 मिलियन पैसेंजर को हैंडल किया है, जो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को पार कर गया है। ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए एक दूसरे एयरपोर्ट के रूप में नवी मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका पहला फेज साल 2024 में कंप्लीट किया जाना है और 2025 के शुरू में ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल भी हो जाएगा। पर दोस्तों, सवाल ये है कि इस एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई और इसको पूरी तरह से कंप्लीट होने में अभी कितना समय लगने वाला है? तो आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट की कल्पना पहली बार नवंबर 1997 में की गई थी, जब मौका यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अलग अलग साइट्स की जाँच करने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने जून 2000 में मांडवा रेवास में एक साइट की सिफारिश की थी, क्योंकि प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए एक ही रनवे होना था। इसके बाद सितंबर महीने में सिडको ने समानांतर रनवे प्रोवाइड करने के लिए मूल प्रस्ताव को रिवाइज किया और फिर मौका को अपनी फीजिबिलिटी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उप समिति ने नवी मुंबई साइट को टेक्निकली और ऑपरेशनली फीजिबल पाया और सुझाव दिया कि सिडको से इस प्रोजेक्ट की डिटेल में टेप्स यानी कि टेक्नो इकोनॉमिक फीजिबिलिटी स्टडी करें। इसके बाद सिडको द्वारा टेप्स को सितंबर 2001 में राज्य सरकार को पेश किया गया, जिसके बाद इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिमुलेशन स्टडी की, जिसमें पाया गया कि उचित प्रक्रियाओं के साथ दो एयरपोर्ट का एक साथ संचालन पॉसिबल था। इसके बाद फरवरी 2007 में सिडको ने मौका को एक प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी और बिजनेस प्लान रिपोर्ट पेश की और प्रोजेक्ट को जुलाई 2007 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। तो दोस्तों, साल 2007 में सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद जुलाई 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट को मंजूरी दी और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिडको को नोडल एजेंसी अपॉइंट किया। एयरपोर्ट साइट पनवेल के पास नेशनल हाईवे 348 पर 9.5 किलोमीटर के क्षेत्र में मौजूद थी, जो मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इसमें जरूरी कोस्टल लैंड लगभग 2900 हेक्टेयर थी, जिसमें 1320 हेक्टेयर लैंड कोर एयरपोर्ट एक्टिविटी के लिए और बागी वाली द्वीप पर 245 हेक्टेयर लैंड को मैंग्रोव पार्क के रूप में विकसित किया जाना था। इस साइड में पनवेल में मैंग्रोव और बारिश या तूफान के पानी से संबंधित कई समस्याएं थीं, जिसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आखिरकार 23 नवंबर 2010 को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इसके बाद सिडको ने 5 फरवरी 2014 को ग्लोबल टेंडर इन्वाइट किया और तब नवी मुंबई एयरपोर्ट के फेज वन और फेज टू के डेवलपमेंट के लिए टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1.2 बिलियन यूएस डॉलर होने का अनुमान लगाया गया था। उस वक्त एजेंसी को जिसके द्वारा बिड्स प्राप्त हुई, उसमें जीएमआर ग्रुप, जीवीके की लीड वाली एमआईएएल, हीरा नंदानी ग्रुप, ज्यूरिख एयरपोर्ट और टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिया इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इसके बाद पीएमसी ने अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपी, जिन्हें प्रोजेक्ट को मंजूरी देनी होगी। इससे पहले कि मौका से अंतिम मंजूरी मिले, बिड्स के अंतिम दो दौर में जीवीके एकमात्र बिडर था, जिसके कारण सिडको को टेंडर की समय सीमा दो बार बढ़ानी पड़ी और आखिर में 13 फरवरी 2017 को जीवीके की लीड वाली एमआईएएल को विनिंग बिडर्स अनाउंस किया गया। इसके बाद काफी सारा विरोध भी एयरपोर्ट साइड के लिए देखने को मिला, जिसके कारण प्रोजेक्ट का प्री डेवलपमेंट वर्क शुरू होने में देरी हुई। अगर हम प्री डेवलपमेंट वर्क की बात करें, तो इसमें उल्वे पहाड़ी को समतल करना,
दलदली भूमि को रिक्लेम करना, उलवे नदी को एयरपोर्ट की सीमा के बाहर मोड़ना और चैनल को 60 मीटर तक चौड़ा करने के साथ ही पावर ट्रांसमिशन लाइनों को शिफ्ट करना शामिल था। दोस्तों, सिडको को प्री डेवलपमेंट वर्क के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट साइट का लेवल 5.5 मीटर बढ़ाना था, लेकिन लोकल्स द्वारा हो रहे प्रोटेस्ट के चलते 12 अक्टूबर 2017 को काम फिर से रोक दिया गया। इसके बाद 28 अक्टूबर 2017 को सिडको ऑफिशियल द्वारा एग्रीमेंट के बाद काम को फिर से शुरू कर दिया गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि साल 2017 में एयरपोर्ट का प्री डेवलपमेंट वर्क शुरू हो चुका था, लेकिन इसके काम ने तेजी पकड़ी साल 2018 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2018 को मुंबई में इस एयरपोर्ट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आधारशिला का अनावरण किया। फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी NMIAL द्वारा एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और ATC टावर को डिजाइन करने के लिए मार्च महीने में लंदन बेस्ड जहा हदीद आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट किया गया। इसके बाद सिडको ने अगस्त 2018 में इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट और कंस्ट्रक्शन मॉडल के तहत कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के लिए टेंडर फ्लोट किए और फिर सितंबर 2019 में GVK ने लार्सन एंड टुब्रो को एयरपोर्ट के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया। और फिर इसके बाद साल 2021 में इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट अदानी ग्रुप ने ले लिया और उसी साल अगस्त महीने में इसका कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया। यहाँ पर अडानी ग्रुप ने मांग की थी कि एयरपोर्ट का एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट की लैंड उसे सौंप दी जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण साल 2019 में ऑफिशियल तौर पर पूरा हो चुका था, लेकिन प्रोटेस्ट के कारण प्रोजेक्ट को पुनर्वास और पुनर्स्थापन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद सिडको द्वारा जुलाई 2022 में ही पूरी 2,866 एकड़ जमीन अडानी को सौंप दी गई, जहां नवंबर 2023 तक अडानी ग्रुप ने प्रोजेक्ट साइट पर 57% फिजिकल वर्क पूरा करने का दावा किया है। अगर हम नवी मुंबई एयरपोर्ट के लोकेशन की बात करें तो ये एयरपोर्ट मुंबई शहर के ईस्ट में रायगढ़ जिले में कोपरा पनवेल क्षेत्र में मौजूद है। इस एयरपोर्ट को ऑफिशियल तौर पर DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया गया है, जो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, और इसे सिडको यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 3 फेज में कम्प्लीट किया जा रहा है, जहाँ एयरपोर्ट का पहला फेज 2024 में कंप्लीट करने का प्लान है, जो वर्तमान में तकरीबन 60% कंप्लीट हो चुका है और इसे मार्च 2025 तक ऑपरेशनल होने का अनुमान है। इस एयरपोर्ट का पहला फेज कंप्लीट होने के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट की पैसेंजर कैपेसिटी 25 मिलियन पैसेंजर पर एनम की हो जाएगी और एयरपोर्ट का आखिरी फेज कंप्लीट होने के बाद नवी मुंबई एयरपोर्ट हर साल 90 मिलियन से अधिक पैसेंजर और 2.5 मिलियन टन कार्गो को हैंडल कर सकेगा साल 2032 तक। अगर हम एयरपोर्ट पर मिलने वाली फैसिलिटी की बात करें तो इस एयरपोर्ट में 3,700 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े दो समानांतर रनवे बनाए जाएंगे। इससे 80 फ्लाइट्स पर आवर ऑपरेट हो सकेंगी, जो मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट की सिंगल रनवे ऑपरेशन कैपेसिटी की तुलना में अधिक है। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल जहा हदीद आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है, जो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से इंस्पायर्ड है। इस टर्मिनल बिल्डिंग में पैसेंजर की जांच के लिए बॉडी स्कैनर और 3D CTX हैंडबैग स्कैनर जैसी फैसिलिटी मिलेगी। वहीं बात करें एयरपोर्ट को मिलने वाली कनेक्टिविटी की, तो इसे नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 और प्रपोज मुंबई मेट्रो गोल्ड लाइन से कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा प्रपोज मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए एक टर्मिनल स्टेशन बनाने का प्लान है और इस साल बनकर तैयार हुआ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल सेतु की मदद से ये एयरपोर्ट मुंबई को अच्छी तरह से कनेक्ट कर रहा है। वहीं एयरपोर्ट की दूसरी फैसिलिटी की बात करें तो इस क्षेत्र में प्राइवेट एयरक्राफ्ट की हाई डिमांड को पूरा करने के लिए नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 60 प्राइवेट जेट एयरक्राफ्ट के लिए डेडिकेटेड पार्किंग होगी। साथ ही इसमें 3 डेडिकेटेड एविएशन टरबाइन फ्यूल स्टोरेज लाइनें होंगी, जिसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल स्टोरेज के प्रोविजन होंगे। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट पर संचालन के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज किया जाएगा, जिसके लिए लैंड साइड और एयर साइड रीजन में EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। दोस्तों, नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक स्टेट ऑफ द आर्ट इको फ्रेंडली और हाईली एफिशिएंट एयरपोर्ट के रूप में डिजाइन किया गया है, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई यात्रा क्षमता और कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। इस एयरपोर्ट के बन जाने से पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज होगी, मुंबई एयरपोर्ट का लोड कम होगा और आसपास के रीजन की कनेक्टिविटी देश विदेश से बूस्ट हो सकेगी। फिलहाल ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और साल 2025 में यहाँ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशनल हो जाएंगी। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नमस्ते इन्फो TV को सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।